चला गिरा पार्टियों के भरोसे नहीं है, हम जनता के दरबार में हैं, जनता के साथ हैं, जनता की लड़ाई है और जनता जब सड़कों पे उतर जाती है तो राजनीतिक दल अपने आप आ जाते हैं। कन्हैया जी नागरिक की परवाह नहीं है वो नागरिकता की बात कर रहे हैं, जिनको जन का परवाह नहीं है वो जनसंख्या का परवाह कर रहे हैं, जो अपने देश का संविधान नहीं पढ़े हैं वो दूसरे देश का संविधान देश की पार्लियामेंट में पढ़ रहे हैं। तो ये बड़ा अजीब दौर है, इस अजीब दौर में हम लोगों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है और मैं देश की जनता से यही कहना चाहता हूँ, अगर आप देश की संसद से निराश हो रहे हैं तो JNU के विद्यार्थियों के खून से लाल हुए दिल्ली की सड़कों को देखिए। आज फीस वृद्धि एक बहुत बड़ा सवाल है कि किस तरीके से गरीबों को उनसे उनका पढ़ने का हक छीना जा रहा है, मास्टर को उनसे उनकी नौकरी छीनी जा रही है, दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी टीचर आंदोलन कर रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं, एक तरफ किसानों को प्याज का दाम नहीं मिल रहा है, दूसरी तरफ उपभोक्ताओं को 100 रुपये किलो प्याज खरीदना पड़ रहा है। स्वास्थ्य की स्थिति देख लीजिए, कहीं पर भी पूरे तौर पर स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो बेहतर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं, स्कूल में पढ़ाई नहीं है। जब देश के किसान खेत में मर रहे हो, कहते हैं ना खेत में मर रहा किसान, सीमा पे शहीद हो रहा जवान, इसीलिए पार्लियामेंट में हो रहा हिंदू और मुसलमान, ये हम होने नहीं देंगे, इसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे। और जितने महागठबंधन के यहाँ घटक दल हैं आपका सड़क पे उतर करके पूरे देश में विरोध जारी है, नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट में तो बंदी कायम हो चुकी है, पूरे देश में इस बिल के खिलाफ जो कल विधेयक पास किया है और ये असंवैधानिक है, इसको कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे और सबसे बड़ी अदालत जो जनता की अदालत होती है, आप अपने संख्या बल पर चाहे जो कुछ भी करवा लें और जितना कुछ भी आज तक करवाया इस गवर्नमेंट ने वो सब जनता के विरोध में गया, उनकी तकलीफों का बाइस बना है। ये भी जो लाने जा रहे हैं जिसको राज्यसभा में ये लेके जाएंगे वो भी जनता की और हिंदुस्तानियों की तकलीफों का बाइस बनेगा, ये संविधान के स्पिरिट के खिलाफ है, इसलिए हम लोग जनता के बीच में जाकर के हर जगह इसका प्रतिकार करेंगे, संघर्ष करेंगे और पूरी उम्मीद है कि देश की जनता इसको वापस इसको जहाँ जाना चाहिए था वहीं भेजेगी। कन्हैया जी आप